मूवी की शुरुआत में हम तीन लोगों को एक जंगल में देखते हैं जो कि किसी से डर के भाग रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि उनके पीछे एक जायंट कमोडो ड्रैगन है जो कि उन्हें जान से मारने के लिए पीछा कर रहा है। तभी वो तीनों भागते भागते एक तालाब के इधर पहुंचते हैं जहां कमोडो ड्रैगन भी आ जाता है, जिसे देखकर डैनियल कहता है हिलो मत, वो हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक आदमी डैनियल की बात मानता नहीं और वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर वो कमोडो ड्रैगन उस आदमी को खा जाता है, जिसके बाद डैनियल और सुजैन वहां से भाग जाते हैं। वो भागते भागते एक किनारे पर पहुंच हैं जहाँ हमें पता चलता है कि डैनियल सुजैन का फादर होता है और वो अपनी बेटी को कैसे भी करके ये आइलैंड से बाहर निकलवाना चाहता है, लेकिन उनके सिवाय अब कोई भी जिंदा नहीं बचता। इसलिए डैनियल कहता है कि हमें यहीं रुकना होगा जब तक कोई हेल्प के लिए नहीं आ जाता। जिसके बाद वो लोग आग लगाने के लिए लकड़ी ढूंढने लगते हैं और जहाँ डैनियल होता है उसके पीछे से एक जायंट कोबरा बाहर निकलता है और उसे जिंदा निकल जाता है, जिसे देखकर सुजैन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है एक कपल के पास जो रॉबर्ट नाम के आदमी को ढूंढ रहे होते हैं और वो उन्हें मिल भी जाता है, जिसके बाद जेरी रॉबर्ट से एक प्राइवेट बोट मांगता है। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट अपनी बोट देने से साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद जेरी रॉबर्ट को बहुत सारे पैसे देता है और रॉबर्ट मान जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कौन से आइलैंड पर जाना है, जिसे सुनकर टेसा कहती है इस्ला डेमोस आइलैंड, जिसे सुनकर रॉबर्ट कहता है उस आइलैंड पर कोई नहीं जाता सिवाय आर्मी के, इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं लेके जा सकता। और ये बात सुनकर जेरी फिर से रॉबर्ट को पैसों का लालच देता है और बाद में रॉबर्ट जाने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन जेरी और टेसा रेडी हो जाते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए और उनके साथ उनके कुछ फ्रेंड भी होते हैं, जिसके बाद वो सभी उस रहस्यमय आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। और कई घंटे ट्रैवल करने के बाद उन्हें वो आइलैंड दिखने लगता है और उन्हें उस आइलैंड पर कुछ आर्मी ऑफिसर दिखते हैं, तो इसलिए रॉबर्ट सभी को आज रात बोट पे ही रुकने के लिए बोलता है। और यहां सीन शिफ्ट होता है उन आर्मी ऑफिसर पर जहां वो किसी की हेल्प करने आए हुए होते हैं। उनका सीनियर ऑफिसर सभी लोगों को अलग अलग टीम में बांटकर भेजता है, जहां कुछ ऑफिसर पर एक कमोडो ड्रैगन अटैक कर देता है। उस कमोडो ड्रैगन पर गोलियों का कुछ असर नहीं हो रहा था, इसलिए उनका सीनियर ऑफिसर एक बॉम्ब निकालता है और उस कमोडो ड्रैगन के मुंह में फेंक देता है, जिस वजह से वो कमोडो ड्रैगन वहीं पर फट जाता है और मर जाता है। तभी एक दूसरा जायंट कमोडो ड्रैगन आके उन ऑफिसर को जिंदा कुचल देता है। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो आइलैंड पर पहुंच रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी आर्मी ऑफिसर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन सभी को लग रहा था कि आर्मी वाले रात को ही चले गए हैं। इसलिए वो सभी लोग आइलैंड के अंदर जाना शुरू करते हैं, लेकिन यहां पर रॉबर्ट को आइलैंड के अंदर जाना गलत लग रहा था, पर उसने जेरी से बहुत सारे पैसे लिए थे इसलिए वो उनके साथ अंदर जाने लगता है। इसके बाद हम दो आर्मी मैन को देखते हैं जिन्हें उन सभी लोगों के बारे में पता चल गया था कि कुछ लोग आइलैंड के अंदर घुस गए हैं और उन सभी लोगों की जान खतरे में थी। इसका पता चलने के बाद एक मेजर ऑफिसर उनकी हेल्प करने के लिए कुछ ऑफिसर को भेजता है, हालांकि उनके कल रात वाले ऑफिसर अभी तक वापस नहीं आए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन सभी लोगों के पास जो कि आइलैंड के अंदर आ चुके थे, और बहुत चलने के बाद उन्हें एक आइलैंड के अंदर एक हवेली दिखाई देती है जिसके बारे में जेरी को पहले से ही पता होता है, क्योंकि जेरी बहुत टाइम पहले यहाँ पर आ चुका था। उसका मेन प्लान इस आइलैंड के बारे में जानना था कि इस आइलैंड में ऐसा क्या है कि कोई भी यहाँ नहीं आना चाहता। जिसके बाद सभी लोग उस हवेली के अंदर चले जाते हैं और वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पर जेरी को लगता है कि ये हवेली एक खुफिया हाउस है जहाँ आर्मी के लोग रिसर्च करते हैं, और वो सभी लोग बातें करते ही रहते हैं। तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वो उन सभी पर गन पॉइंट करके कहती है कि तुम लोग यहाँ किसके परमिशन से आए हो, यहाँ आना सख्त मना है, एक बार जो यहाँ पर आ जाता है यहाँ से नहीं जा पाता। जिसे सुनकर जेरी कहता है हम यहाँ पर बस रिसर्च करने आए, हम किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहते। जिसे सुनकर सुजैन कहती है क्या तुम्हारे पास बोट है, अगर है तो हम सभी इस आइलैंड से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जेरी ने इस रिसर्च के लिए बहुत सारे पैसे लिए हैं, इसलिए वो यहाँ से जाने से मना कर देता है और कहता है कि इस आइलैंड पर ऐसा क्या है जिस वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। उनकी बातें हो रही होती हैं तभी उनका एक आदमी सिगरेट पीने बाहर चला जाता है, जिसके बाद वहाँ एक जायंट कोबरा आ जाता है जिसे देखकर वो आदमी जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। लेकिन कोबरा को देखकर वो आदमी वहीं रुक जाता है और वो आदमी बचने की कोशिश करने लगता है, और यहाँ पर रॉबर्ट गन लेकर उस जायंट कोबरा पर अटैक करने लगता है, लेकिन उस पर गोली का कुछ असर नहीं होता, जिस वजह से वो कोबरा उस आदमी को जिंदा खाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इस आइलैंड से जाने की बातें करने लगते हैं, उन्हें अपना रिसर्च कैंसिल करना पड़ेगा, और वो लोग यही सब बातें करते रहते हैं। तभी उन्हें किसी जायंट क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है जो कि उनके पास से ही आ रही होती है, इसलिए वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने से एक जायंट कमोडो ड्रैगन गुजर रहा होता है, जिसको देखकर सुजैन सबसे कहती है कोई भी हिलना मत, ये हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन उनमें से कोई आवाज कर देता है जिस वजह से उस कमोडो ड्रैगन को उनके बारे में पता चल जाता है और वो सभी का पीछा करने लगता है। यहाँ पर उनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो लोग भागने लगते हैं। तभी उन सभी को एक हाउस दिखाई देता है और वो लोग उस हाउस की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की गिर जाती है
और कोमोडो ड्रैगन उसे कुचलकर मार देता है, जिसके बाद वो लोग उस हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं। सुजैन सभी को बताती है कि मैं और मेरे डैड पहले यहाँ पर अपनी टीम के साथ आए हुए थे और वो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते थे कि उनकी प्रजाति को कैसे बढ़ाया जा सके। लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ पर वही आर्मी ऑफिसर आता है और वो अपने सोल्जर्स को पावरफुल बनाने के लिए सुजैन के डैड से हेल्प मांगता है। लेकिन यहाँ पर सुजैन के डैड आर्मी ऑफिसर की बात नहीं मानते, क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर दूसरों की जान लेने के लिए हेल्प मांग रहे थे, इसलिए सुजैन के फादर मना कर देते हैं, जिसके बाद वो आर्मी ऑफिसर उनके फंड्स को रोक देगा ये बात की धमकी देता है। इसलिए ना चाहते हुए भी सुजैन के फादर उस आर्मी ऑफिसर की बात मान लेते हैं और एक कोमोडो ड्रैगन और एक कोबरा स्नेक पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। पहले तो उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन एक रात कोमोडो और कोबरा एक जायंट क्रिएचर में बदल कर और आपस में लड़ाई करते हुए जंगल में भाग जाते हैं। तब से ये ऐसे ही करके 40 लोगों को मार चुके होते हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा, जिसके बाद वो सभी पीछे की ओर से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तभी सुजैन को उसका एक टीममेट डॉक्टर मिलता है, जिसको कोमोडो ड्रैगन का सलाइवा लगने की वजह से उसकी पूरी बॉडी सड़ चुकी थी, और वो सुजैन को बताता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये कहते ही उसकी जान चले जाती है। उसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग वापस अपने बोट के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक जायंट स्नेक आकर उनके एक आदमी को खा लेता है और उनकी बोट को भी खराब कर देता है, जिसको देखकर वो सभी वापस जंगल में भाग जाते हैं। और एक रात वहीं गुजारने के बाद वो लोग फिर से अगले दिन जंगल से निकलते हैं। तभी उन्हें एक नदी दिखाई देती है जिसे उन्हें पार करना था, तो वो लोग पार करने लगते हैं। तभी जेरी के पीठ पे अचानक कुछ कीड़े चिपक जाते हैं, जिसको देखकर रॉबर्ट अपनी विस्की से उन कीड़ों को जेरी से अलग करता है। और इसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जेरी की हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए वो सभी जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं। तभी उन सभी को एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जहाँ एक कोमोडो ड्रैगन भी होता है, जिसको देखकर जेरी और रॉबर्ट उस कोमोडो ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि बाकी के लोग हेलीकॉप्टर में जा सके। लेकिन तभी वैसे ही जेरी के पीछे से एक जायंट कोबरा निकलता है और उसे खा जाता है, जिसे देखकर टेसा बहुत ही रोने लगती है। फिर वो सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और यहाँ पर जायंट कोबरा और कोमोडो के बीच एक फाइट होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर रॉबर्ट भी हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वो लोग हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके वापस निकल जाते हैं और आर्मी वाले कोबरा और कोमोडो को बॉम्ब के थ्रू मार देते हैं, और यही मूवी खत्म हो जाती है। इसी तरीके की अमेजिंग और एडवेंचरस मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।